पीछे खड़े रहे। हमारे कुछ और साथी हैं जो जुड़ना चाहेंगे हमसे अपनी बात रखें। हमारे कुछ और साथी हैं जो जुड़ना चाहेंगे हमसे अपनी बात रखें, बताएं। जी, मैं राज बहादुर मौर्य मैकेनिकल से हूँ। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, जो घर पे बैठ के मजा ले रहे हैं रजाई में, उन लोग से निवेदन है कि कम से कम एक दिन का समय भाई जरूर दो। ये लड़ाई हमारा पर्सनल खुद का नहीं है, ये लड़ाई सबका हक का है। 16 वाले, 18 वाले, नए वाले, कम से कम एक दिन के लिए भाई आप लोग जरूर आइए, तभी कुछ होगा। और यहाँ पर जब संख्या दिखेगी तभी सरकार के पास ये आवाज़ जाएगी, नहीं तो अपना निभाना चाहिए। सबको अपना कर्तव्य निभाना है। ये जो सत्याग्रह आंदोलन ये जो चल रहा है, सब लोग कम से कम एक दिन का भाई समय और निकालिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आदर्श जी के और मयूर जी के, उज्जवल जी के कहने पर मैं सूरत से आया हूँ, मैं एलएनटी कंपनी में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलता। फिर मैं रिक्वेस्ट करके मैं 5 दिन का मुझे टाइम मैं लिया, आने जाने का 2 दिन लगता है एक दिन के लिए, फिर भी मैं वहाँ सूरत से होकर मैं यहाँ आया हूँ। और आप लोग यही घर के रह के यूपी में ही रह के नहीं आ पा रहे हो, शर्म करो भाई। कुछ लोग एक दिन का समय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि हम सबको यूनिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। सब लोग एक साथ होंगे तो सरकार या कोई भी मेंबर उनका ये सोचेगा आखिर इतनी संख्या में लोग क्यों दुखी हैं। कम संख्या है तो ये अपने अपने फायदे की सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगी तो कोई मेजर बात होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग इकट्ठा हों और इस ये रिजल्ट का प्रोसेस में इसे भी शामिल किया जाए, क्योंकि इसके बिना रिजल्ट नहीं आना, अपने आप तो आना नहीं है बिना कुछ करे। तो इसलिए सबको आना चाहिए और आइए, अपना मूल कर्तव्य निभाना चाहिए। कोई अकेले का सबको काम होता है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हमें भी काम है, हम भी छोड़ कर आए अपना शॉप, अपने पिताजी की तबीयत खराब है उनको छोड़ कर आए, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। मैंने जब फोन पे बात किया, उन्होंने कहा ठीक है सर आप कर रहे थे, मैं एक दिन के लिए आता हूँ। योगदान मेरे कहने पे भानु जी एक दिन के लिए आए, सोनी जी आए हैं, सबसे रिक्वेस्ट करना पड़ा। और बाकी लोग घर पे बैठे हैं भाई, जो भी हो एक दिन का टाइम निकालो यार, निकालो और क्या आना चाहिए। जी जी। और जी सर आप बोले। मेरा नाम संदीप सोनी है जी। मैं चाहूँगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि आज अगर हम लोग अकेले होंगे, आप हमारे साथ नहीं होंगे, तो एक न एक दिन तो हम ज्वाइनिंग लेके ही रहेंगे। और अगर आज आप नहीं साथ देंगे तो कल हम अंदर होंगे, आप यहाँ बैठे होंगे। अगर आप हमारे साथ अभी से रहेंगे, यूनिटी रहेगी, तो कभी भविष्य में ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे हम लोग। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर आएं, साथ दें हमारा, जुड़ें। धन्यवाद। कॉल कर रहा हूं बस, और बात वही है, वो खड़वा और एक साथी से और मैं बात कर रहा हूं। जी सर, मेरा नाम भानु प्रताप है। और जो भी बच्चे लोग जो भी लोग देख रहे हैं क्या कहते हैं वीडियो, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं कि सब लोग आए, एक दिन का टाइम निकाल के आए, जरूर आए, क्योंकि हम लोगों का तो एग्जाम हो चुका है, मतलब रेड के लिए हम लोगों को वेट कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको लिए तो आने वाले तो और टाइम में दिक्कत होगी, क्योंकि वैकेंसी आने वाली नहीं है तुम्हारे लिए, उनकी लड़ाई तो और लंबी होने वाली है, और फिर हम लोगों की तो तुम्हें हम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब लोग साथ एक दूसरे का साथ देंगे तो आगे भी ये चीज़ लड़ाई लड़ती रहेंगे, क्या कहते हैं। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है एक एक दिन के लिए आए। कुछ लोग तो यहाँ रोज आ रहे हैं, हम लोग तो आज ही आए हैं, क्या कहते हैं, तो उन लोगों को देख के आओ, कम से कम रोज मेहनत कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ये भाई भी अपने रोज आ रहे हैं, क्या कहते हैं, उन लोगों को देख के आओ, क्या कहते हैं, एक दिन के लिए टाइम निकाल के आओ, कहीं से भी आओ, सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, क्या कहते हैं, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ और साथी आए हुए हैं, देखिए हमारी संख्या जो है कि कुछ जो टीम मेंबर्स हैं वो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग अपनी कहीं ना कहीं प्रोसेस में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी मंत्री जी से या प्रावधिक शिक्षा मंत्री जो है उनसे अशोक पटेल जी से बात करनी हो, चाहे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसी तरीके से लिंकअप जो है ब्रजेश पाठक जी से हो जाए, ताकि हम जो है कि उनसे भी हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए। जी 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 बिल्कुल। मैं पुष्पेन तिवारी, माननीय ब्रजेश पाठक जी के गुड्डू भैया गुड्डू त्रिपाठी जिनके रिश्तेदार हैं, मैं उनके कार्यकर्ता भी हूँ आलमबाग कैंट क्षेत्र का, और लगातार मैं सेवा भी करता हूँ आरएसएस में भी, और मैं 2016 का मैंने भी पास आउट किया हुआ है डिप्लोमा सिविल से ही, और इसी श्रेणी में हम भी सोच रहे हैं किसी तरीके से जो है अपनी बात भी रखी जाए, और हम लोग का सेवा की भावना से ही जुड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी हम लोगों ने तो सरकार 2 बार बनाई, मेहनत भी किया, अपना कार्य छोड़कर भी हम लोग थोड़ा बहुत लगे रहे, लेकिन आज जिस तरीके से भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं और बच्चे भी नहीं बन पा रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं करीब में मौके से, और उनका डिप्टी सीएम भी हैं,
और माननीय योगी जी से भी हमारी बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे कर्मठ ईमानदार हैं, तो कृपया करके जो है हमारे बच्चों का जो है और हम लोगों का भविष्य का निर्धारण करें और जल्द से जल्द रिजल्ट निकालें और नए विज्ञापन पे कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि हर साल कुछ कुछ न कुछ भर्तियाँ देती जाएँ जिससे बच्चों में रुझान सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बना रहे। और अगर ऐसी आधार स्थिति बनती रहेगी तो पॉलिटेक्निक की जो शिक्षा है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और इसी कारण से हमने देखा, अभी कल परसों में हमने देखा है कि पेपर में माध्यम से मैंने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज की 800 सीटें सरकारी खाली रह गई। तो कहीं ना कहीं इसका एक साफ स्थिति बन रही है कि जब लोग को रोजगार की कहीं थोड़ी सी जरूरत है और प्लेसमेंट को लेकर भी सरकार को करनी चाहिए और जो भी भर्तियाँ हैं उनको साफ स्थिति में क्लियर किया जाए। बस इतना हम कहना चाहेंगे, सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है और माननीय मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग की बात, हम छात्रों के माध्यम से बात पहुंचाएं वहां तक। तो बाकी सभी लोग हमारे देखिए मित्र लोग बराबर यहां 150 की संख्या में जुटते रहते हैं जी, अपना अमूल्य समय निकाल के आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति परिस्थिति सबकी बहुत सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोई अकेला है घर से, किसी के माता पिता की तबीयत खराब है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना पढ़ाई भी कर रहा है बच्चा और वहां से निकल के आता है धरने पर बैठ रहा है, तो ये उचित नहीं है हमारे हिसाब से जी जी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ व्यक्ति को अगर धरने पर बैठना पड़े तो धरना देगा या अपनी पढ़ाई। बाकी आगे हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं जी सर। हेलो, मैं आज ही धरने में शामिल हुआ हूँ, मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और मेरे साथी लोग आए और चार पांच साथियों को मैंने जोड़ने की कोशिश की है जो कल आएंगे और वो निरंतर धरने में शामिल होंगे। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, एक प्रार्थना है कि आप सब लोग धरने में अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हम लोगों का मनोबल अपना बढ़ाएँ। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं वही लोग आए, तो ये आपकी सोच गलत है। जितने भी हैं और जितने भी नंबर हैं आप लोग आए, और जब पुरानी भर्ती क्लियर होगी तभी तो नया विज्ञापन निकलेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरा होगा ना होगा, होना ना होना तो बात की बात है। कट ऑफ मैं ग्रुप में देखता हूँ कि सब लोग कट ऑफ, तो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ के अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कट ऑफ तो आयोग डिसाइड करेगा ना, हम आप कैसे कट ऑफ को डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग बस आगे हम लोगों का सहयोग करिए और मनोबल बढ़ाइए। ठीक, धन्यवाद जी। सर आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा नाम प्रभाकर है, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि ये धरना लखनऊ में ही आयोजित हो रहा है इको गार्डन में, और यहाँ पर लखनऊ के बच्चों का कोई सहयोग नहीं दिख रहा है। मैं लगातार चार दिन से धरने में आ रहा हूँ जी, आज पांचवा दिन, आज पांचवा दिन है और लखनऊ का एक आधा बच्चा पहले दिन आया था जी। अब वो भी वैसे बच्चे हैं जो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन वो रह कर के तैयारी यहाँ करते हैं, तो वो बेचारे आ रहे हैं, लेकिन लोकल का कोई ऐसा बच्चा मुझे यहाँ नहीं दिखा जो धरने में अपना सहयोग दे रहा हो, और ये बहुत अफसोस की बात है। छात्रों की एकता हमको यहाँ पर टूटती बिखरती दिख रही है जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती 2016 की हो, जेई 2016 हो या 2018 हो, ये भर्तियाँ शासन का की मंशा सब लोग समझ रहे हैं इस समय कि भर्ती वो 24 तक भी ले जाने के मूड में है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना समय व्यतीत हो रहा है, आपका कितना जो है नुकसान हो रहा है, आप कितना डिप्रेशन में हैं, आपके घर में क्या परेशानियां हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो दिक्कतें और परेशानियां हमें आपस में ही समझनी होंगी, और एक बार यूनिटी बना करके इको गार्डन में आइए, सब लोग आइए। मेरी अपील है सभी अपने डिप्लोमा बंधुओं से जो इस भर्ती में पेपर दिए हैं, चाहे 16 वाला हो, चाहे 18 वाला हो, और चाहे दोनों भी दिए हों, दोनों भर्तियों को मिला के लगभग 1700 पद हैं और यहाँ पर 170 बच्चे, 10% की भी स्ट्रेंथ जो है नहीं हो रही है, 25 वही घूम फिर के वही 40-50-60-70 बच्चे हैं जो आ रहे हैं, और इनमें से 99% ऐसे बच्चे हैं जो दूर से आ रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आती है ये चीज़ कहते हुए कि लखनऊ के कोई बच्चे जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं खुद 25 किलोमीटर